हेलो गाइस, तो ये हमारा एक नया व्लॉग है। हम जा रहे हैं महाकालेश्वर के मंदिर उज्जैन। तो सारी तैयारियां हो चुकी है, हमारी जो ट्रेन है बोरीवली से रात 9:30 बजे की है, तो हम 7 बजे तक निकलेंगे यहाँ से। सब रेडी हो रहे हैं, मेरी फैमिली, सुमन की फैमिली, तो फटाफट से पहुँचते हैं बिरार स्टेशन और ट्रेन पकड़ते हैं बोरीवली की। तो ऑलमोस्ट सब तैयार हो चुके हैं, तो हम निकल रहे हैं, निकलते हैं। फोटो ना खींच संतार खींच दी फोटो वीडियो बनाए थे ब्लॉग कहकर। तो महाकाल, जय महाकाल। उज्जैन जा रही हूँ, उज्जैन बोलो, उज्जैन। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब हम फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, ये प्लान करके जा रहे हैं ट्रिप। ट्रिप काफी छोटा है, सिर्फ 2 या 3 दिन ही लगने वाले हैं, बट लेट्स सी क्या आता है, मजा आता है नहीं आता है। चिप्स सुस्ती हुई। तो हम लोग 1.5 घंटे पहले ही पहुंच गए हैं, काफी जल्दी आ गए, बट ठीक है। देखिए महाकाल जाते हुए सफर कितना तगड़ा है, लोग एडजस्ट पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो गाइस हम स्लीपर में चढ़ तो गए हैं, 2 ही सीट हमारी कंफर्म थी और हम पूरे 6 लोग थे। जस्ट अभी हम उज्जैन उतरे हैं, रात भर के खतरनाक सफर के बाद हम उज्जैन आ चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे स्टेशन। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे होटल की तरफ, होटल में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद देखते हैं क्या प्लानिंग करनी है। ने जो है कि तबाही मचाई हुई है, चौकोस बिस्तर पे पसरे पड़े हैं और ये देखिए पिछली लोहा है। हाय करो, योगा करके दिखा दो, योगा ऐसे ऐसे देखिए दोस्तों। अभी ये रॉ फुटेज है, मेकअप के बाद आपको पूरा फुटेज देखने को मिलेगा। तो लगभग तैयारी हो चुकी है, हम मंदिर के लिए निकलने वाले हैं। जहाँ पे हमारा रूम है वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है महाकाल जी का मंदिर। ये देखो जंगली जंगली हमारे पीछे। बताओ सुमन, बताओ पापा, बताओ ऋषा। हाय करो, योगा हो चुकी है रेडी। आप ये देख लीजिए की न्यू जैकेट और हम जा रहे हैं महाकाल के मंदिर। कहाँ जा रहे हैं? तो जय बाबा की, ओम नमः शिवाय। नहीं तुम बोलो बाबा, एक बार बोल दो, बोलो बाबा। हाथ जोड़ो। हम निकल चुके हैं महाकाल के मंदिर के लिए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कहीं भी हम जहाँ मंदिर जाते हैं, खाटू श्याम हुआ या बालाजी गए थे, ऋषा का मूड हमेशा ऑन ही रहता है, ऑन एयर रहता है। शादी कैसे ये वाला ले लो, पचास
एज यूजुअल प्रिशा हमेशा की तरह परेशान करते हैं, तो हम उनके उस तरीके से ब्लॉग तो नहीं बना पा रहे हैं, बट फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं हम क्या बेस्ट कवर कर सकते हैं महाकाल में। जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, मम्मी कहाँ रह गई। तो अभी ये हम मंदिर के परिसर में आ चुके हैं सारे परिवारगढ़ आगे आगे चलते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा माहौल है महाकाल का। किशा बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो। तो हम आ गए हैं जहाँ से लाइन लगानी है हमें, तो हम सोच रहे थे कि हम पहले वीआईपी वाला पास ले लेंगे, फिर पता चला कि ज़्यादा रश नहीं है, एक डेढ़ घंटे का ही बात है, फिर हम एक डेढ़ घंटे में ही सोच रहे हैं फिर थोड़ा कष्ट काट के यूना भोलेनाथ जी से मिला जाए। तो हो आप देख सकते हैं ये सारी लाइन, सो यहाँ पे श्रद्धालु आते हुए विशु घंटा लगेगा, बट जनरल लाइन में लग के भी आई थिंक 25 से 30 मिनट लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, भीड़ तो है बट वो लगातार बढ़ रही थी, तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, शायद 15-20 मिनट में दर्शन हो जाएगा। गाइस हमारा महाकाल का दर्शन हो चुका है, दिशा तक किस्त हो चुकी है, और उसके बाद हम कॉरिडोर घूमने जा रहे हैं, कॉरिडोर घूम के आते हैं, फिर उसके बाद होटल की तरफ चलते हैं। अभी हम घूम रहे हैं कॉरिडोर, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे टाइप की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो देखते हैं क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं, तो धीरे धीरे घूम रहे हैं। कसम आसमान देखो कितना, घूमने के लिए तो काफ़ी अच्छी जगह है, बट ये है कि क्या घूमे क्या नहीं घूमे आ रहा है,
गाइस, तो अभी कॉरिडोर भी हम पूरा लगभग लगभग घूम चुके हैं। जितने भी यहाँ मूर्तियाँ कलाकृतियाँ थी वो हमने कैमरे में कैद। तो मंदिर से घूम कर आने के बाद हम लोग आ चुके हैं खाना खाए। तो बहुत भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कहीं टेबल खाली नहीं है। तो एक टेबल खाली होने को वह सारे हम छह लोग यहाँ बैठेंगे। बैठो, अभी मैंने मसाज लिया बट मैं वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि खुद मैं उस पर बैठा था, तो खुद बैठ के मोबाइल नहीं निकाल पाया। बट मज़ा आया, जो थोड़ी बहुत थकान हुई थी वो ठीक हो गई। अब तो अभी बढ़ रहे हैं होटल की तरफ, होटल पास में ही है मंदिर के। कहाँ जा रही है? मुझे नहीं, मैं महाकाल का दर्शन कर मुझे नहीं लग रहा था कि मैं दर्शन कर पाऊंगी, लेकिन हिम्मत जुटाई और सब साथ दिए मेरा, मैं चली गई। वहाँ का दर्शन तो हो गया, लेकिन आए खाने पीना खाए, आराम किए, फिर बोले कि चलो राम घाट वहाँ का दर्शन करेंगे। ये वाला वीडियो देख के सब रोएंगे बहुत। जा रहे हैं, अब मैं जाने का तो मन नहीं था, लेकिन सब लोग जा देख देख के तो अपना भी मन कर ही रहता जाने का। एक बार बोल ऐसे से कह दे, खाली नाचू मैं नाचू कह दे, बोल ऐसे नाचू मैं नाचू। तो अब हम लोग जा रहे हैं राम घाट मेरी प्रिशुल्ली के साथ, प्रिशुल्ली के साथ। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स राम घाट, हमने रिक्शा कर ली। तो राम घाट आ चुके हैं हम, राम घाट आ चुके हैं, प्रिशा भी पहुंच चुकी है हमारी राम घाट। तो अभी हम इस समय हैं राम घाट, ये महाकाल मंदिर के पास ही है, 2 किलोमीटर की दूरी पर। हाँ, तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा मौसम है, मतलब बहुत ठंडा नहीं पर सूदिंग मौसम जिसे कहते हैं वो, तो काफ़ी अच्छा लगे। इन लोगों का भी ले लो यार, इसमें गोरे गोरे आएंगे वो लोग, मेरा कैलेंडर ले रहा हूँ। विशु का ले लो मेरे बच्चों का। विशु कैसा लग रहा है बेटा यहाँ पे आके? तो जल अर्पण चालू है ये राम घाट पर मम्मी जी का, मेरी मम्मी जी भी जाएगी नहाएंगी इसमें, और ये सुमन भी जा रही है, पापा भी जा रहे हैं, प्रिशा भी जा रही है। वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट आग का ले रहा हूँ। तुम भी जा रही हो? नहीं प्रिशा पाएगी, हो गया कराओ। प्रिशा इधर देखो, प्रिशा को पापा को देखो। ये अरे आ जाएगा, कहाँ जा रही हो आप? अरे वाह, ये देखो ब्लू कलर की आ रही है। हाय करो, तो स्माइल करो, चलो पापा हैं, धीरे धीरे पिशा, वेरी गुड, पापा हैं, पापा हैं, चलाओ तुम चलाओ, हाँ पीपी कर दो, चलो चलो चलो, पापा ऐसे गाड़ी चलाते हैं, पापा ऐसे गाड़ी चलाते हैं पिशा। अरे पापा पिशा दोनों गाड़ी। Hi, देखो इधर। जिस होटल में हम रुके हुए थे वो होटल हमने ड्रॉप कर दिया है, बगल में ही महाकाल में एक नया होटल ले लिया है। अभी हम आ चुके हैं 5-स्टार होटल में समोसा खाने, काफ़ी बड़ा होटल है ये सब बैठे हुए हैं। ये होटल एंट्री करने के 1000 रुपये लगते हैं, तो यहाँ पे कचौड़ी समोसा 90-90 रुपये का एक है, खाते हैं, पैसे कोई बात नहीं है, पैसा बहुत है। कैसा है होटल ये, कैसा लग रहा है? 5-स्टार होटल बेटर हम बोले थे काजे, आप बताइए। बहुत अच्छा है। हाँ तुम बताओ। बहुत ही यूनिक होटल है, शायद कभी देखने मिलता है। अभी तो देख रहे हैं होटल अच्छा है। प्रिशा होटल कैसा है? होटल कैसा है? सब जगह रहता है भाई, अच्छा है, ठीक
तो ये मेरे पीछे वाली शॉप पे, यहाँ पे हम कचौड़ी समोसा खा चुके हैं एंड अभी नए वाले रूम पे वापस चलते हैं कि कहाँ का शेड्यूल करना है, कहाँ पे जाना है घूमने, तो चलते हैं देखते हैं। सुबह सुबह कंघी भी नहीं कर पाया चेकआउट में, इतनी जल्दी थी होटल वालों को, बट ठीक है, ऐसे भी ठीक ही लग रहे हैं, तो चलते हैं फटाफट से रूम पे। तो ये है हमारा न्यू होटल रूम, हमने जो रूम छोड़ा वहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। तो ये रूम उस वाले रूम से तो बेटर है, अब वही होटल वाले बताओ। तो गाइस ये हमारा होटल है जहाँ पे हम रुके हुए हैं अभी, एंड हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आज कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो उसी की लिस्ट तैयार करने के लिए थोड़ा बाहर आके बैठे हैं। जी बाबू, शाली बाबू, आई लव यू, बोलो आई लव यू। अरे 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 उठो उठो, कैसे करना है, कैसे करना है, मम्मा कैसे पोज करे। सो ऑल इज सेट, हम निकलने वाले हैं डिफरेंट लोकेशन पे घूमने, गाड़ी आने वाली है जो हमने बुक करी है, तो फटाफट गाड़ी आती है तो निकलते हैं। गाड़ी के इंतजार में सब बैठे हुए हैं। ठीक है, कैसे पोज देते हैं हम लोग, तो हम आ चुके हैं माँ श्री संदीपनी आश्रम। तो ये है माँ श्री संदीपनी आश्रम। कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला है, वो मुख्य मंदिर पाठशाला आप देख सकते हो। बुल्ली जा रही है हमारी प्रिशा, करेगा वो धारण करें गले में। जय श्री तो यहाँ पे कृष्ण और बलराम जी की शिक्षा कैसे हुई थी उसके बारे में काफी अच्छी लिखी हुई है। यहाँ पे मस्ती करते हुए, बहुत मस्ती कर रही है कृष्ण, फोटोग्राफी चालू है सुमन जी का, याद रहती है। मेरा जो ब्लॉग बनाने का सेंस रहता है वो ये कि वीडियोस हम अपने बुढ़ापे में देखेंगे, हम कहाँ कहाँ गए थे, कैसे एंजॉय किया था एंड ऑल, तो फोटो चालू है। तो आपने देखा कि पहले के टाइम में कैसे पढ़ाई होती थी, पूरा पूरा पुराण पढ़ा दिया जाता था और बंदे को डॉक्टरी, मतलब ऐसा कोई कोर्स नहीं बचता था जो नहीं पढ़ाया जाता था, सब पढ़ा दिया जाता था। 64 कलाओं के दीर्घाओं में हमारे कुछ तस्वीरें जो हमें ये दिखाती हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी पाठशाला शिक्षा ग्रहण करते हुए क्या सीखते थे, कुछ तस्वीरें जो इसके पिता सबूत देते हैं, यहाँ पे दर्शनार्थी जाते हुए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांत है, ऐसे मन से बोलते हैं। मेरी पिशा का भी शो आगे बहुत बिजी चल रहा है। वो देखो, हेलो, हरा लेके चले गए, ये देखो दो प्रशा को। दे दो तो अभी हम पहुंच चुके हैं काल भैरव के मंदिर के पास और हम चप्पल उतारने की तैयारी कर रहे हैं। हमेशा की तरह परीक्षा मेरे
सर पे सवार, देखो जा रहा है। क्या है, क्या है प्रशा? अभी हम जाने वाले हैं फिर से महाकाल के मंदिर के पास, जो कॉरिडोर है। तो रात को हम वहाँ कल नहीं जा पाए थे, थोड़ा लेट हो गया था। तो काफ़ी सुंदर बनाया हुआ, लाइटिंग बहुत अच्छी होती है वहाँ पे। दूर से कल हमने देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी हम रात को जा रहे हैं कि हमने पूरा जो लाइटिंग का स्पॉट है वो देखने को मिले, कैसा लगता है रात में। प्योर आसमान है, कैमरा है, मैंने कोई एडिटिंग नहीं किया और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है, ये चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग है और इससे हमें भी अच्छी लाइट मिल रही है, नेचर को भी अच्छी लाइट मिल रही है। तो एक बार विजिट बनता है महाकाल के मंदिर में दर्शन करने का, अच्छा लगता है। और ये जगह बहुत अच्छी बनाई गई है, यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं लाखों की भीड़ में पर डे। सबसे प्यारा प्लीज बोलो, कहते गोदी ले लो पापा, और प्लीज एक बार और। ये तो कोई फिल्म का सेट लग रहा है। किसका ये, कैसी चुम्मी चल रही है भाई, करो ये है भारत माता मंदिर। आज सुमन ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई, बट शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू स्पीक समथिंग, बिकॉज उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसके सर में थोड़ा सा दर्द है, बट उसने मेडिसिन ले ली है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं भारत माता मंदिर के पास, काफ़ी बढ़िया मंदिर बनाया गया है। तो ये देख के अच्छा लगा कि हमारी भारत माता के लिए भी एक मंदिर है जो कि काफ़ी भव्य है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। चलो, तो हम घूम के आ चुके हैं, हमारे जो सुबह का प्लान है हमने गाड़ी बुक कर ली है, 5 बजे गाड़ी आएगी हमको पिक करके ले जाएगी। तो अभी हम सोने के लिए आ गए हैं, सोते हैं क्योंकि सुबह हमको 4 बजे उठना है, 5 बजे जो है हमारी गाड़ी है। तो कल सुबह जो हम जाने वाले हैं ओंकारेश्वर के मंदिर जा रहे हैं, हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग, पहला हमने महाकाल कर लिया है और दूसरा वहाँ जाने वाले हैं। और यहाँ का ट्रिप खत्म होने के बाद, ये ब्लॉग पूरा होने के बाद हम जाएंगे मन कामेश्वर। लगा लो, लगा लो, नहीं वो घर पे भी ऐसा लगा तो थोड़ा सा वो है। नहीं तो
वीडियो ब्लॉग में लगाऊंगा। ना होते हुए भी हो जाए। किचन विचन साफ, झाड़ू पोंछा, ये सब करना पड़ता है। मम्मी कर पता नहीं। सुबह 4 बजे रेडी होना है, 5 बजे गाड़ी आएगी और रात को 12 बजे हम आए हैं प्रीशा को खाना खिलाने, क्योंकि उसको भूख लग गई। और प्रीशा ने एक नई नई चीज सीखी है। क्या सीखा प्रीशा, बोलो। ट्विंग ट्विंग। क्या बोलना, कुछ बोलना नहीं है क्या? तुम बोलने वाले हो ना। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हमारा प्लान जो है ओमकारेश्वर के लिए बना हुआ है। एंड गाड़ी हमारी आधे घंटे के अंदर आ जाएंगी। सारे लोग रेडी हो रहे हैं और सुबह सुबह ही यहाँ हजारों वाली भीड़ शुरू हो जाती है। मैं सुबह के 6 बज रहे हैं, हम निकल चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। बाकी सारे लोग पीछे बैठे हैं और अभी इतनी लाइट नहीं मिल रही है ताकि सब दिख पाए। तो अभी हम रुके हुए हैं एक चाय की दुकान का रास्ते में ओमकारेश्वर से पहले, तो सोचा यहाँ पर चाय पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सुमन वहाँ बैठी हुई है झूले पर प्रीशा को लेके। चाय पीने में 20 मिनट लग गए, चाय तैयारी नहीं थी, बनते बनते बनी, पिया निकल रहे हैं। 15 रुपए की चाय कुल्लड़ में, 5 रुपए का तो कुल्लड़ ही रहता है। जैसे हमारे नेपाल की तरफ होता है सुबह देवराली हम जाते हैं, लगभग वैसा ही लग रहा है एंड काफ़ी सिमिलर है। तो ये थोड़ा पहाड़ी और जंगली इलाका है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए वो गाइस, असली ब्लॉगर सनरूफ फाड़ के निकला इंसान वीडियो बनाता हुआ। सही है भाई, मस्त मस्त, एक नंबर। तो ओमकारेश्वर हम पहुंच गए हैं लगभग, काफ़ी टाइम लगा, बहुत ट्रैफिक था एंड पास में ही मंदिर के आ गए हैं, तो चलते हैं दर्शन करते हैं। क्योंकि ये मस्जिद। तो हम ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं, ये देखिए लिखा हुआ है महाराज जी के दर्शन, और काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है और काफ़ी जल्दी अंदर आ गए हम लोग। और जो भी दिक्कत हुआ गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा भीड़ है गुरु, 4 से 6 घंटे लगेंगे लाइन में दर्शन करने को। जगह तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी जगह है एंड हमारी ट्रेन भी है, तो हम यहीं से मत्था टेक कर निकल रहे हैं क्योंकि दर्शन करने का उतना टाइम मिला नहीं। मेन मंदिर में आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमारी ट्रेन भी 7 बजे की है, तो बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जगह लेकिन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी जगह है। तो ये मंदिर है मेन ओमकारेश्वर का, वो जो आप देख पा रहे हैं मंदिर, वो नीचे की तरफ से, वहाँ नीचे से पूरी लाइन लगती है, लंबी सी लाइन और काफ़ी टाइम लगता है। और मंदिर है, सुमन और प्रीशा काफ़ी थक चुकी है। प्रीशा
इस जगह के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप महाकाल आ रहे हैं तो पहले यहाँ पर आएँ, यहाँ रुकें, यहाँ काफ़ी मज़ा आएगा, इसके बाद महाकाल जाएँ, काफ़ी प्यारी जगह है। गोदावरी में जा रहे हैं, थोड़ा सा घूमेंगे और मंदिर के पास जाकर दर्शन करेंगे शिव भगवान का। तो उतरते हैं, पापा थोड़ा उतर नहीं पा रहे हैं तो नीचे की तरफ पहुंचते हैं फटाफट। जगह लेकिन बहुत प्यारी है गाइस। चढ़न तो नहीं दिक्कत पड़ा, उतरन दिक्कत पड़ा ना? चढ़न नहीं दिक्कत पड़ा। अच्छा चलो ठीक। ये मेन मंदिर है, देखो चढ़ाई करना रहा मंदिर। ये स्टेशन में फटाफट, हमारी ट्रेन भी ऑन द वे है, हम भी ऑन द वे हैं, ऑन टाइम ट्रेन पकड़ते हैं, वापस मुंबई पहुंचते हैं। फिर से ऊपर वाले ने मौका दिया, फिर आना होगा। जय महाकाल, जय जय महाकाल। कृषक नाइफ खो गया है और ये कृषक को देखो, और ये इसके पापा काफी ज्यादा थके हुए, ये लोग चाकू ढूंढ रहे हैं दोनों जन। चाकू किस चीज का? ये देखो जो वेजिटेबल कट कर दिए पिशा, सूखने दे बाबू, उसका चाकू। फीडबैक लिखो, किधर लिखो? तो इन्होंने साफ सफाई का फीडबैक देना है कि कैसा रखा। अरे यार इसको चढ़ाओ, एक बार में